आज हमारे पास दो बहुत ही बेहतरीन बाइक है जो कि 125 सीसी सेगमेंट की है। ये है बजाज की सीटी 125X और दूसरी हमारे पास है हीरो की ग्लैमर 125XTEC मॉडल है। आज हम करने वाले हैं डिटेल कंपैरिजन। इन दोनों बाइक की प्राइस डिफरेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलने वाला है 15,000 का दोस्तों। तो 15,000 प्राइस डिफरेंट है तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस आपको मिल जाते हैं और कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए आपके हिसाब से। सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ज्यादा टाइम लगाते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम वेरिएंट एंड प्राइस की ही बात करने वाले हैं। अगर हम ग्लैमर XTEC की बात करें तो इसमें आपको दो मॉडल देखने को मिलने वाले हैं। पहला आपको मिल जाता है ड्रम वेरिएंट और डिस वेरिएंट। ये जो आप देख रहे हो ये डिस वाला वेरिएंट है, इसकी और प्राइस आपको मुंबई की पड़ने वाली है 1,09,500 रुपए। एंड ड्रम वाले की बात करें आपको इसकी प्राइस पड़ जाएगी 1,04,500 रुपए के आसपास। तो ड्रम वाली की प्राइस कम रहने वाली है। और हम बात कर लेते हैं 125X के बारे में। इसमें आपको वेरिएंट नहीं देखने को मिलने वाला, सिर्फ आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है जो कि डिस्क के साथ में आता है। इसकी और प्राइस आपको मुंबई की पड़ने वाली है 94,000 रुपए विद एसेसरीज। जो मैंने दोनों की प्राइस बताई है और उसमें आपको एसेसरीज मिल जाएगी, हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर, अगर आप इस शोरूम से परचेज करते हो तो। इस शोरूम का कॉन्टेक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो एंड विजिट भी कर सकते हो आप। अगर आप दोनों की प्राइस कैलकुलेट करोगे तो आपको 15,000 का फर्क देखने को मिलने वाला। तो देख लेते हैं अभी इसमें क्या चेंजेस है जो 15,000 का आपको फर्क देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम सन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देख सकते हो ग्लैमर का आपको लुक ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, थोड़ा स्पोर्टी अपील आती है, मतलब देखने में बाइक स्पोर्टी लगती है। और ये देख सकते हो हमारी सिटी ऐसी कुछ दिखने वाली है। अगर आप इसे देखोगे थोड़ी रेट्रो वाली, थोड़ा रगड़ टाइप की फील आने वाली है। हेडलाइट आपको इसमें हैलोजन मिल जाती है, इंडिकेटर भी आपको हैलोजन मिलने वाले हैं सिटी में। और वहीं पे इसकी बात करें दोस्तों, हेडलाइट आपको LED प्रोजेक्टर मिल जाती है, डीआर भी आपको यहाँ पे LED मिल जाएंगे एंड इंडिकेटर आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाले हैं। तो हेडलाइट के मामले में हमारी जो XTEC है ये आगे चली जाती है। और सस्पेंशन की भी हम बात कर लेते हैं। सस्पेंशन इसमें आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हो। वहीं पे अगर हम ग्लैमर की बात करें इसमें आपको सेम ही साइज का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो कि टेलीस्कोपिक रहने वाला है। और इन बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन के बारे में, तो सिटी में आपको स्प्रिंग एंड स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो कि कुछ ऐसे रहने वाला है। और XTEC में आपको मिलने वाला हाइड्रोलिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर जिसे आप 5 टाइम एडजस्ट भी कर सकते हो, तो ये ऑप्शन अच्छा रहने वाला है XTEC के लिए। तो सस्पेंशन की माने तो दोनों बाइकें में आपको ऑलमोस्ट सेम सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है फ्रंट एंड रियर में। इसमें आपको कोई भी कमी नहीं छोड़ा गया है। एक प्लस पॉइंट है सिटी के लिए, इसमें जो है सस्पेंशन को कवर दी गई है ताकि ये सस्पेंशन खराब ना हो एंड गंदे भी ना हो, लॉन्ग टाइम तक चले, इसमें नहीं दिया गया है। और कहीं ना कहीं मेरा जो ओपिनियन है स्प्रिंग एंड स्प्रिंग से अच्छा सस्पेंशन होता है हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन। तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहने वाला है हमारे XTEC के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं दोनों बाइक के टायर के बारे में। तो सबसे पहले सिटी की बात कर लेते हैं। टायर आपको दोनों बाइकों में आपको ट्यूबलेस मिलने वाला है। टायर साइज इसमें आपको मिलने वाली है फ्रंट में 80/100 की। और वहीं पे अगर हम इसकी बात करें XTEC की, इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा एंड टायर साइज आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों 80/100 की। तो फ्रंट टायर साइज दोनों बाइकों में सेम रहने वाली है। और व्हील की बात करें तो आपको एलॉय व्हील मिल जाएगी। उससे पहले मैं बता दूं टायर ब्रांड चेंज रहने वाला है दोस्तों। इसमें आपको MRF का टायर मिलने वाला है और इसमें आपको TVS का टायर मिल जाता है। देखो हीरो की मतलब बाइक है, TVS का टायर लगा है, सही है, सब जुगाड़ पे चल रही है दुनिया। और व्हील की बात करें तो इसकी जो व्हील साइज मिलने वाली है आपको 17 इंच की सिटी की, और ग्लैमर की आपको मिलने वाली है 18 इंच की दोस्तों। अगर व्हील डिजाइन की बात करें मुझे ग्लैमर का ज्यादा अच्छा लगा। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, आपको कौन सा अच्छा लगा आप लोग बताना। मुझे ग्लैमर का ज्यादा व्हील डिजाइन अच्छा लगा और खासकर ये ब्लू कलर का स्टिकर एंड ग्लैमर की ब्रांडिंग। और इसका आपको सिंपल सा व्हील डिजाइन देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको दोनों बाइकों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। पहले आप ये देखो दोनों बाइकों में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन, लेकिन ये जो अपना सिटी वाला है इसमें आपको एक ही मॉडल देखने को मिलता है। इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, डिस एंड ड्रम। ड्रम वाले में क्या होगा, फ्रंट में ड्रम रहने वाला है और रियर में, एंड ये डिस वाला है तो सिंपल सी बात है फ्रंट में डिस रहेगा, रियर में ड्रम दिख रहेगा। तो डिस साइज दोनों में सेम देखने को मिलने वाली है 240mm की। डिस साइज में कोई भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वाइब्रेटर डिटेक्टर मिल जाएगा जो कि अच्छा ब्रांड है। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें इसमें आपको नॉर्मल सा कोई ब्रेक कैलिपर मिलने वाला है जिसमें कोई भी ब्रांडिंग नहीं दी है, तो नॉर्मल वाला है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और अभी हम रियर का ब्रेक देख लेते हैं। रियर में तो सिंपल सी बात है आपको दोनों में मिलने वाला है ड्रम ब्रेक जैसे कि आप देख पा रहे हो ये, और ये भी, और दोनों की ड्रम ब्रेक साइज रहने वाली है 130mm की दोस्तों। फेंडर आप देख सकते हो फ्रंट का ऐसा कुछ दिखने वाला है और इसका कुछ ऐसे दिखने वाला है। ये फ्रंट से लुक इसका कुछ ऐसे मिल जाएगा दोस्तों, और इस बाइक का कुछ ऐसे मिलने वाला है। फ्रंट लुक की बात के मैं आप लोगों पे छोड़ दे रहा हूँ, सबको अपना अलग अलग लुक पसंद आता है, जो भी पसंद है आप लोग कमेंट करके बताएं। अभी मेन बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों के इंजन के बारे में।
तो सबसे पहले हम सिटी की बात कर लेते हैं। इसमें आपको इंजन मिल जाता है दोस्तों 124.4 सीसी का, और इसके इंजन की बात करें इसमें आपको मिल जाता है 124.7 सीसी का, थोड़ा सा 0.3 मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी हम इसकी पावर की बात कर लेते हैं सिटी की। सिटी में आपको पावर देखने को मिल जाएगी 10.9 पीएस एट 8000 आरपीएम पे, एंड अगर हम इसकी पावर की बात करें तो आपको मिलने वाले 10.8 पीएस एट 7500 आरपीएम पे। तो पावर आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है 125X में। एंड टॉर्क की बात करें जिसमें आपको मिलने वाला है 11 न्यूटन मीटर एट 5500 आरपीएम पे, और इसकी बात करें इसमें आपको मिलने वाला है टॉर्क 6.6 न्यूटन मीटर एट 6000 आरपीएम पे, और इसमें आपको टॉर्क ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो दोनों में आपको थोड़े थोड़े चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपको पावर ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, इसमें आपको टॉर्क ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। सीधे से मैं ये बोलूँ दोनों बाइकों में आपको ऑलमोस्ट सेम इंजन देखने को मिल जाता है दोस्तों। एंड इंजन स्पेक्स की बात करें दोनों बाइकों में आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, टू वॉल्व, एयर कूल, साथ में FI विद 5 स्पीड गियरबॉक्स दोनों बाइकों में आपको मिलने वाला है। तो इंजन आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाता है। अगर हम टॉप स्पीड की बात करें, जो हमारी सिटी है इसकी टॉप स्पीड लमसम जाती है 96 के आसपास, और इसकी बात करें 100 के आसपास आराम से मिल जाएगी, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। अभी मेन बात कर लेते हैं हम इन दोनों बाइकों के सीट एंड कम्फर्ट को लेकर। पहले आप देखो सिटी 125X की सीट आपको लंबी चौड़ी देखने को मिलने वाली है। देखो ये मैं लास्ट में माप रहा हूँ, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। और वही कि इसकी बात करें इसमें भी आपको सीट ठीक ठाक मिल जाती है, लंबी चौड़ी है ये भी देख लेते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी कम चौड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी सीट आपको देखने को मिलने वाली है तो सिटी मतलब 125X में, लेकिन कम्फर्ट आपको दोनों में ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन मेरे हिसाब से लगता है इस बाइक में ज़्यादा मिलने वाला है, इस बाइक को मैंने चलाया भी, कुशिंग बहुत अच्छी है। तो कंफर्ट सबका अलग अलग डिपेंड करता है दोस्त। मैं यहाँ पे सीधा बोलना चाहूंगा, अगर आप सोलो राइडर हो तो आपके लिए ग्लैमर X125 अच्छी रहने वाली है। अगर आप डुअल राइडर हो मतलब दो जन को बैठा के चलने वाले हो तो आपके लिए अच्छी रहने वाली है। साथ में आपको लगेज भी कैरी करके चलना है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको लगेज गार्ड देखने को मिल जाएगा दोनों तरफ, इधर भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों और इधर भी देखने को मिल जाएगा। ये जो बाइक है स्पेशली बनाई है लगेज कैरी करने के लिए एंड कुरियर बॉय के लिए, तो वो भी आप लोग ध्यान रखना, मतलब फैमिली को भी लेके आप साथ में चल सकते हो। साथ में अगर आपको सामान भी कैरी करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो टॉप रैक भी दिया गया है और रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी, ये भी देख लो रियर से कुछ ऐसे दिखने वाली है। रियर का लुक दोनों बाइकों का मस्त है दोस्तों। तो कंफर्ट के मामले में यहाँ पे बाजी मार जाती है हमारे हिसाब से 125X। और टैंक की बात करें इसकी फुल टैंक साइज आपको 11 लीटर की मिल जाएगी, माइलेज भी बताऊंगा दोस्तों वो भी ध्यान रखना, और इसकी आपको 10 लीटर की मिलने वाली है। और दोनों बाइकों में आपको E20 OBD2 का मतलब अपडेट देखने को मिलने वाला है, और माइलेज ऑलमोस्ट आपको दोनों बाइकों में आपको सेम देखने को मिलने वाले 60 के आसपास। बाकी तो आप दोस्तों जैसे चलाओगे वैसे आपको माइलेज मिलने वाले है, वो तो ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है। और मीटर कंट्रोल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मीटर कंसोल इसमें आपको फुली डिजिटल देखने को मिल जाएगा, बैटरी साइड कनेक्टेड नहीं है। साथ में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, 10/10 नेविगेशन मिल जाएगा, एंड आपको रियल टाइम माइलेज बताएगा। काफी सारे फीचर्स आपको इसमें भर भर के मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे आपको मिसिंग देखने को मिलने वाले हैं। तो यहीं पे प्राइस का पता चलता है दोस्तों। इसमें आपको फुली मतलब वही एनालॉग वाला मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जो जरूरत है वही मिलने वाला है, जैसे आपका स्पीड, ओडोमीटर, फ्यूल एंड ये आपके अदर इंडिकेटर, आपका डीपर इंजन, माल फंक्शन लाइन, न्यूट्रल का, बस बाकी और कुछ भी शो नहीं होने वाला है। तो 15000 यहाँ पे दिख जाते हैं, लेकिन यार मुझे नहीं लगता है कि ये 15000 से मीटर कंसोल के लिए एक्स्ट्रा देने चाहिए, वो आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। हैंडल बार पे आपको नॉर्मल स्विचेस मिल जाएंगे दोस्तों, एक आपको ICS स्विच मिल जाती है, एक ICS वाली मेरे हिसाब से ज्यादा यूज नहीं होता है, इससे बोलते हैं थोड़ा बहुत माइलेज बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप अच्छे से यूज करते हो तो कोई यूज नहीं करता है। तो हैंडल बार पे आपको नॉर्मल स्विचेस मिल जाएंगे, इधर भी आपको नॉर्मल स्विचेस मिलने वाले जो आपको हर बाइक में देखने को मिलते हैं। और अभी हम साइड लुक की बात कर लेते हैं, तो ग्लैमर जो एक्सटेक है थोड़ा स्पोर्टी दिखती है भाई, मैं तो इसमें झूठ नहीं बोलूंगा, यही सही है। और इसकी बात करें ये थोड़ा रगड़ बाइक जैसी लगती है, मतलब ऐसे देखा जाए तो कुछ लोग इसको मतलब सस्ती बुलेट भी बोलते हैं, बाकी सबका अपना अपना भाई बुलेट कहाँ ये, लेकिन इसका भी लुक निकल के आता है अगर आप चलाते हो दोस्तों। दोनों बाइकों का लुक काफी ज्यादा अच्छा है, डिपेंड करता है आपको पसंद कौन सी आती है दोस्तों। दोनों बाइकों में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। तो फाइनल अभी हम बात कर लेते हैं दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ज्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, एकदम शॉर्टकट तरीके से बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास फैमिली है मतलब आप दो जन बैठ के चलने वाले हो और आपको ज्यादा कुछ ऐसा लगेज कैरी करना नहीं है, माइलेज चाहिए अच्छा खासा, कम्फर्ट चाहिए एंड आपको फीचर भी चाहिए और आपके पास एक्स्ट्रा पैसे भी हैं, तो भाई आप जाओ ग्लैमर एक्सटेक की तरफ, आपको 15000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा भाई 20 वाली वेरिएंट के लिए, तो आप ये जा सकते हो। लेकिन वहीं पे भाई आपको बहुत कुछ सोचना है, आप मतलब लगेज मतलब कैरी करके चलते हो, कुरियर बॉय हो या फिर बहुत सारी चीजें, साथ में आपको कंफर्ट भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए और अच्छा खासा लुक भी चाहिए, तो आपके लिए बनी है ये बाइक दोस्तों। और दोनों बाइकों में आपको फोन चार्ज करने का ऑप्शन मिल जाता है, मैं दिखा देता हूँ। देखो इसमें भी दिया गया है
और जो हमारी एक्सटेक है मतलब इसमें हीरो, इसमें भी आपको मिल जाता है, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा अंदर दिया गया, थोड़ा मुझे अजीब सा लगा, मुझे तो वो वाला जो हमारी सिटी 125 का चार्जर है मतलब ये ज़्यादा अच्छा लगा, सही जगह पर दिया गया है। यहाँ पे आप मोबाइल होल्डर माउंट भी कर सकते हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सी बाइक लेना चाहिए। तो अगर मुझे इन दोनों बाइकों में से लेना हो तो मैं तो भाई सिटी 125X की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मुझे इसका लुक अच्छा लगता है और साथ में मेरे पैसे भी बच रहे हैं, कंफर्ट मिल जाता है। कभी कभी मतलब अगर लगेज भी ढोना हुआ लेके चलना हो वो भी चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग सोच लेना, क्योंकि थोड़ा वो एक्स्ट्रा बर्डन लेके चलेगी, ऐसे लगेज कैरियर ये सब लगा हुआ है। अगर आपको एक प्रॉपर फैमिली बाइक चाहिए, थोड़ा फीचर भी हो, तो आपके लिए ये ग्लैमर एक्सटेक ही रहने वाली है। वहीं पर अगर आपको फैमिली बाइक चाहिए, साथ में आपको लगेज भी कैरी करना है, काम भी करना है, लुक भी चाहिए एंड आपको पैसे बचाने हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है 125X। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं इन दोनों बाइकों में से आप कौन सी बाइक लेना चाहोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।